अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं उतारी मियां जी, मेरे साथ मौजूद है वही वाली। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं बहुत सारी बातें, सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल हिंदी में है, खान सर की वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स प्ले। गुजरात वगैरह में ना ज्यादातर बिजनेस क्यों भाग जाते हैं वहाँ? हम लोग क्या करते हैं ना कि हमें गुजरात जैसा बनना है। किसी भी स्टेट को आगे जाने में एक एरिया था, आपको गुजरात के बारे में बताते हैं। गुजरात वगैरह में ना कुछ चीजें गुजराती लोग भी थोड़े से सोच वाले हैं। हम लोग क्या करते हैं ना कि हमें गुजरात जैसा बनना है, गुजरात जैसा नहीं, गुजराती जैसा। वो लोग बिजनेस को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। एक एरिया था, हम आपको गुजरात के बारे में बताते हैं। यहाँ पे एक एरिया था ना, एक प्लॉट था, ऐसे प्लॉट समझते हैं ना, एरिया दुकान। कुछ कुछ प्लॉट जो होते हैं ना, कॉर्नर के प्लॉट होते हैं, काफी कॉस्टली बिकते हैं। यहाँ से सड़क जारी थी और एक सड़क इधर से जारी थी, ठीक है। तो ये कॉर्नर का प्लॉट था, तो उसने क्या किया था ना, ये दो दुकानें निकाला था उसने, दो दुकान, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। तो ये कॉर्नर पे था बेहतरीन ढंग से, यहां से भी सड़क थी, सामने से भी ये सड़क, सामने से भी। आप लोग कभी ऐसा देखते होंगे, ऐसे सड़कें मिलती हैं, ऐसे सामने से जा रही हो, एकदम अच्छा से। तो इसके दोनों ये दुकान जो थे, ये बहुत अच्छे लोकेशन पे थे, सामने भी था सड़क में भी लोड, और इधर भी था, क्या थे, दोनों दुकानें में था। तो इस जो मकान का मालिक था, इसको अच्छा था, यहाँ पे इसको इनकम भी अच्छा हो सकता था। तो इधर में ना एक कोई मेडिकल वाला था, मेडिकल का उसका शॉप था। बगल में एक और आया ना, तो जितना ये रेंट देता था उससे ज्यादा रेंट दे रहा था, बट वो भी मेडिकल का था। तो हमको ऐसे बात चली, तो उसने नहीं दिया था, कहा था कि कोई और बिजनेस वाले को हम दे देंगे, हमको तो किराए से ही मतलब है भाई, हमको ये भी किराया देगा, हमको ये भी किराया देगा, हम इसको मेडिकल का दिए हैं, इसको किसी और बिजनेस वाले को दे देंगे, इसको किराया, इसको भी किराया देना, इसको भी किराया, बट दोनों ठीक ठाक से रहेंगे। आप समझ रहे हैं, उस मकान मालिक को केवल मतलब किराए से था। मतलब क्या है किराए से? रियलिटी में एक मकान मालिक को क्या चाहिए? किराया। बट आप देख रहे हैं, ज्यादातर बिजनेस क्यों भाग जाते हैं वहां? वहां के लोग भी उस टाइप के क्या है, समझते हैं बिजनेसमैन को किस तरह से होता है। यहां है ज्यादा कौन देगा? तो किसी भी स्टेट को आगे जाने में उस स्टेट के लोगों का व्यवहार, समझदारी, दूरदर्शिता बहुत मायने रखती है ये चीज में। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये सब आगे क्यों चले गए? क्योंकि इन लोगों के अंदर वो चीज़ें थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, इंडस्ट्रीज को, चीज़ों को समझा। और हमारे यहाँ तो एक जनसंख्या बढ़ गई, संसाधन कम रहा, तो लूट तो मचेगा ही मतलब बिहार के हैं खान सर, तो बिहार के हवाले से बता रहे होंगे कि हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ गई तो लूट मार तो मचेगी। अच्छा, गुजरात के लोगों की कितनी खूबसूरत बात है कि अगर वो रेंट पे भी दे रहे हैं और कोई और कारोबार करने आ रहा है, तो आप खुद सोचें कि सिर्फ और सिर्फ आपको किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अगर मेरा मेडिकल होता, मेरे बराबर में मेरा मालिक ही किसी और को मेडिकल की इसलिए दुकान दे देता, तो मेरे बिजनेस पे देखो, मालिक तो एक है ना, मालिक को ये भी सोचना चाहिए कि इसका कारोबार चल रहा है तो मुझे किराया मिल रहा है, ऐसा ही है, ठीक है ना। और इसके कारोबार चलना चाहिए, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा रहता है, तो उस मालिक, वो मालिक समझो गुजरात में, वो मालिक बराबर वाली शॉप मेडिकल वाले को नहीं देगा, जबकि वो ज़्यादा रेंट भी दे रहा हो। मतलब ये होते हैं कारोबारी सोच, ये होते हैं आगे बढ़ने वाले राज्य, ऐसे लोग जो एक दूसरे को समझते हों। इनकी वीडियो का ये मकसद, छोटी सी वीडियो थी, इनकी वीडियो का ये मकसद है कि अगर आप जिस लोग, जहाँ के लोग एक दूसरे की समस्याओं को, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, एक दूसरे के सिस्टम को समझेंगे, रिस्पेक्ट देंगे एक दूसरे की, एक दूसरे के कारोबार में समझो एक तरह से सपोर्ट करेंगे, तो ही वो लोग आगे बढ़ेंगे। जब लोग आगे बढ़ेंगे तो वो राज्य आगे बढ़ेगा, शहर आगे बढ़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब बहुत ही अच्छे से बताया उन्होंने, मतलब अगर बोला भी कि एक मालिक का क्या चाहिए होता है, किराया, ऐसा ही है कि मतलब वो अगर तीन चार शॉप बना रहा है तो वो तो यही बोलेगा कि यार भले एक साथ चार मेडिकल खोल के बैठ जाए, लेकिन मुझे तो किराया आना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी बात है ये, इसको इस तरह कह सकते हैं, एहसास, एहसास। तो अगर हमारे यहाँ तो एहसास पे अगर बात की जाए, तो मैं इतना लंबा लेक्चर, नाम की चीज नहीं है, फजूल है बोलना, है ना। हाँ, मैं तब आप ये दुकान का रेंट और ये सारी चीजें, अगला तो यूं समझ लो कि हम एक दूसरे को रास्ता तक नहीं देते। मतलब पहले कौन गुजरेगा,
ऐसा ही है। इस चक्कर में हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं, इस चक्कर में हमारी यूं समझ लो बहस होती है, इस चक्कर में हम एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं। दो बाइक वाले जा रहे हैं, एक बाइक वाला सिलो सिलो जा रहा था तो वो देखता है एकदम से, यूं बाइक वाला जा रहा है तो एकदम से देखता है कि वो गुजरने की कर रहे हैं, भगाएगा ऐसा ही है वो क्यों ना। अरे मतलब अल्लाह के बंदे, तू पहले आगे जाके गिर जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तू जो स्पीड से आ रहा था तो उसी स्पीड से आता वो गुजर सकता था, लेकिन उसको देख के तू स्पीड बढ़ा रहा है, उसको देख के तू रास्ता तंग कर रहा है। एक जगह छोटी सी जगह है, वहाँ पे कोई गुजर कार वाला, हाँ कार वाला खड़ा हुआ है और बाइक गुजर सकती है, पीछे से बाइक वाला यूं 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 करके यहाँ तक पहुँच गया। अब कार वाला देखते ये यूं 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 करके आ गया, ये कार, ये बाइक कार तो गुजर नहीं सकती, कार कार है, अब यूं करेगा तू भी रुक जा। और ये मतलब क्यों ऐसा, मतलब जो गुजर सकता है उसको तो गुजरने दें, ये तो इतनी बड़ी मिसाल दे दी कि हम तो बेहोश हो जाएं और हमें तो कहेंगे कि यार ये कोई जन्नत की बातें कर रहे हो। आज गुजरात की जीडीपी महाराष्ट्र की जीडीपी पाकिस्तान को टक्कर दे रही है, तो आज ऐसे थोड़ी कोई टक्कर दे रही है कि यार वो इतना आगे थोड़ी चले, एक का है बिजनेस कम्युनिटी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, कारोबार की रिस्पेक्ट है, ईमानदारी, इसको ईमानदारी कहेंगे ना, तभी आज ये लोग इतना आगे। और मतलब अगर उस मालिक गांधी अगर दो शॉप पे अगर इस तरह ही वो काम करेगा तो उसके आने वाले वक्त में कितनी सही शॉप्स होती हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही, और कारोबार में बरकत होती है, उस शख्स का नाम होता है, उस शख्स की रिस्पेक्ट करते हैं लोग, यार इससे शॉप लो, इसके साथ रेंट पे घर लो या जो भी लो, मतलब ऐसा ही होना चाहिए कि आपका कारोबार भी फैलता रहे और आप लोगों के साथ अच्छा काम भी करते रहो। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला छोटी सी वीडियो से, बहुत कुछ सीखा दोबारा किसी एक, मतलब उन्होंने पूरी बहुत बड़ी कहानी हो सकती है, कहानी बता बना दी, मतलब बता दी इतने छोटे से लाइन में पूरी कहानी बता दी उन्होंने, बहुत ही अच्छा लगा। ये खास बात है खान सर, तो खान सर के तो अब ये लोग भी फैन हो गए, मैं तो था ही और आप लोग तो थे ही। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।